गुड मॉर्निंग, सभी को नमस्कार। मैं शुभकरण, सहायक आचार्य EFM श्री राधेश्याम आर मुरारका, गवर्नमेंट PG कॉलेज झुंझुनू। आज हम BCOM पार्ट प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए EFM पेपर सेकंड इंडियन बैंकिंग फाइनेंशियल सिस्टम, भारतीय बैंकिंग एवं वित्तीय व्यवस्था बुक की शुरुआत करने से पहले आपको एक छोटे से मैसेज के साथ शुरुआत करेंगे, क्योंकि ये अपना EFM सेकंड BCOM फेस्ट का प्रथम वीडियो है जो कि बैंक से संबंधित है। बैंक क्या है और बैंक के क्या क्या कार्य हैं उसका अध्ययन करेंगे। उससे पहले आपको एक छोटा सा आत्मबल प्रदान करने वाला मैसेज देना चाहेंगे। अपनी जमीन अपना आसमान पैदा करो, अपने कर्मों से नया इतिहास पैदा करो, मांगने से मंजिल नहीं मिलती। प्रिय विद्यार्थियों, अपने हर क्रम में विश्वास पैदा करो। तो आज हम अध्ययन करेंगे बैंक क्या है, बैंक की क्या क्या परिभाषाएं हैं और बैंक के क्या क्या कार्य हैं जो कि आपके दैनिक जीवन में आने वाली बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इससे संबंधित प्रश्न अधिकतर पूछते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे। तो आप ये वीडियो ध्यान से देखिए और इनके जो मेन कंटेंट हैं उनको नोट भी करते जाइए। तो आज अध्ययन करेंगे BCOM पार्ट फर्स्ट EFM पेपर सेकंड भारतीय बैंकिंग एवं वित्तीय व्यवस्था, इंडियन बैंकिंग फाइनेंशियल सिस्टम, भारतीय बैंकिंग एवं वित्तीय व्यवस्था। इंडियन बैंकिंग फाइनेंशियल सिस्टम, इंडियन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम, यूनिट संख्या प्रथम, यूनिट संख्या फर्स्ट, बैंक की परिभाषा और उसके कार्य। डेफिनेशन ऑफ बैंक एंड फंक्शन, बैंक क्या है और बैंक की क्या क्या परिभाषाएं हैं और उसके कार्य। बैंक का अध्ययन करने से पहले इसकी हम भूमिका का अध्ययन करें, इसके इतिहास का अध्ययन करें, तो सर्वप्रथम हम बात करें इसके इतिहास की, क्योंकि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये। यूनिट संख्या प्रथम में प्रश्न आपके एग्जाम में आता है कि बैंक से क्या तात्पर्य है, बैंक के प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए, बैंक किसे कहते हैं, आधुनिक बैंक के कार्यों को समझाइए, या एक विकासशील बैंक के क्या क्या कार्य हैं उनका वर्णन कीजिए। बात एक ही है, आपके 20 मार्क्स का क्वेश्चन आपके विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं में अधिकतर इसको पूछते हैं, तो आपके यूनिट फेस्ट में बहुत ही उपयोगी है। जैसा कि मैंने आपको पूर्व के वीडियो में बताया कि बैंक या फिर कोई भी क्वेश्चन करने से पहले आपको सर्वप्रथम उसकी भूमिका लिखेंगे, फिर उसका अर्थ लिखेंगे, मीनिंग सामान्य शब्दों में, विशेष शब्दों में, जनरल वर्ड्स या अदर वर्ड्स, फिर उसकी परिभाषाएं लिखेंगे, फिर उसका कंक्लूजन करेंगे, फिर जो उपयुक्त तालिकाएं हैं उसके कार्य लिखेंगे, फिर उसका बिंदुवार वर्णन करेंगे, जिससे आपके एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स आ सकें, जिससे आप अच्छे प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण हो सकें। अब आज चर्चा करें इसी की, बैंक की भूमिका की।
भूमिका में हम मुख्यतया इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करते हैं। भूमिका को अपन रोल या इंट्रोडक्शन भी कह सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि बैंक क्या है, बैंक के बारे में आप जानते भी हैं, उसकी हम चर्चा करेंगे। इससे पहले इसकी भूमिका के बारे में बात करें कि बैंक शब्द के उद्गम के संबंध में दो मत प्रचलित हैं। कितने मत? दो मत। प्रथम मत के अनुसार इटालियन में बैंक शब्द बीए बैंकों से बना है, जिसका तात्पर्य है संयुक्त स्कंद से। क्या मतलब हुआ? संयुक्त स्कंद से प्रथम मत के अनुसार, या फिर प्रथम मत में हम बात करें इटालियन से बना है, सॉरी ये द्वितीय मत के अनुसार है, प्रथम मत में इटालियन भाषा बैंकों से इसकी उत्पत्ति हुई है, जिसका मतलब हुआ बेंचों पे रख के मुद्रा का या मुद्रा को बदलना, मुद्रा का परिवर्तन या मुद्रा को बदलना। कहां पर? बेंचों पे रखकर। दूसरे मत के अनुसार, द्वितीय मत की हम बात करें तो द्वितीय मत में बैंकों का अर्थ जर्मनी भाषा या जर्मन में जर्मन भाषा से बना है, जिसका मतलब होता है बैंक, जिसका तात्पर्य है संयुक्त स्कंद कोष। यह तो इसकी प्रादुर्भाव, उसके वर्ड के प्रादुर्भाव हुए, उसकी भूमिका हुई। अब जो महत्वपूर्ण बात है उनकी हम चर्चा करेंगे कि बैंक सर्वप्रथम 1157 में इटली में बना। 1157 में जो बैंक बना इटली में, उसको बैंक ऑफ वेनिस के नाम से जाना जाता है। बैंक ऑफ वेनिस। फिर नेक्स्ट 1401 में बैंक ऑफ बार्सिलोना की स्थापना हुई। 1407 में बैंक ऑफ जेनेवा, बैंक ऑफ जेनेवा का स्थापना हुई। फिर इसी क्रम में 1609 में हॉलैंड में बैंक ऑफ एम्स्टर्डम, एम्स्टर्डम की स्थापना हुई। इसी प्रकार इसी क्रम में 1694 में बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना हुई। ये मुख्यतया विभिन्न देशों में, विभिन्न कंट्रियों में इस प्रकार बैंकों की उत्पत्ति हुई। इसके बाद में मुख्यतया आधुनिक बैंक, जो बैंक ऑफ इंग्लैंड हुआ, ये आधुनिक बैंकिंग का प्राचीन बैंक भी ये कहलाता है। किसका? आधुनिक बैंकों का प्राचीन बैंक भी इसे अपन कहते हैं, बैंक ऑफ इंग्लैंड। उसके बाद में अनेक प्रकार के संशोधन अधिनियम लागू हुए, जिसमें आरबीआई एक्ट बना, आरबीआई एक्ट 1934 में रिजर्व बैंक अधिनियम बना, जो कि 1 अप्रैल 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। 1 अप्रैल, जो कि आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इनका प्रश्न आपसे पूछते हैं कि आरबीआई की स्थापना कब हुई।
विद्यार्थियों ध्यान देने योग्य बात है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई, आरबीआई एक्ट 1934 में बना, आरबीआई रेगुलेशन एक्ट, आरबीआई रेगुलेशन एक्ट 1949 में इसकी स्थापना हुई। धीरे धीरे बैंकों की, कॉमर्शियल बैंकों की हुई, कॉमर्शियल बैंक भी मिलके बने, आगे की इनके वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे कॉमर्शियल बैंकों के बारे में। अब हम इसी क्रम में आगे इसके अध्ययन करें कि बैंक क्या है। बैंक, जैसा कि आपको भी पता है कि बैंक है क्या, बैंक मुख्यतया उस संस्था से है जो जनता से जमा के रूप में रुपया प्राप्त करती है और ऋण के रूप में या जमाकर्ताओं की मांग पर रुपया देती है। कैसे? माना कि ये बैंक है, क्या है? बैंक है। बैंक में जनता क्या करती है? रुपये क्या करती है? डिपॉजिट करवाती है। आवश्यकता पड़ने पर उसी जनता को रुपये क्या करती है? उपलब्ध करवाती है, या फिर ऋण के माध्यम से या जमाकर्ताओं की पूंजी के आधार पे किसी व्यक्ति विशेष या फिर जमाकर्ताओं को रुपया उपलब्ध करवाती है, बैंक कहलाती है। दूसरे शब्दों में बात करें कि बैंक वह संस्था है जो द्रव्य में व्यवसाय करती है। किसमें? द्रव्य, लिक्विड में, लिक्विड व्यवसाय करती है। एक ऐसा प्रतिष्ठान है, ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां धन का जमा संरक्षण तथा निर्गमन होता है और ऋण एवं कटौती की सुविधाएं प्रदान की जाती है और एक स्थान से दूसरे स्थान तक रुपये भेजने की व्यवस्था या रुपये भेजने का व्यवसाय भी करती है, बैंक कहलाती है। तो आपके क्लियर हो गया कि बैंक क्या है। जनता से क्या करती है? रुपये कलेक्शन करती है और आवश्यकता पड़ने पर लोन के माध्यम से रुपया उधार में देती है, बैंक कहलाती है। फिर बात करेंगे हम परिभाषाओं की। विभिन्न विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। जैसे प्रथम परिभाषा है वेबस्टर शब्दकोश के अनुसार। वेबस्टर शब्दकोश एक डिक्शनरी है, उसमें देखा है कि बैंक वह संस्था है जो मुद्रा में व्यवसाय करती है और एक ऐसा प्रतिष्ठान है जहां धन का जमा संग्रहण तथा निर्गमन होता है, जहां ऋण देने की कटौती सुविधाएं प्रदान की जाती है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर धनराशि भेजने की व्यवस्था की जाती है, बैंक कहलाती है, जैसा कि आपको मैंने बताया अभी। आगे इसी क्रम में अर्थशास्त्रियों में क्राउथर के अनुसार, कि क्राउथर कहते हैं बैंक अपने व अन्य लोगों के ऋणों का व्यवसाय भी है, जो बैंक कहलाती है। तीसरा बात करें भारतीय बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949, बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 के अनुसार बैंक वह है जो मुख्यतया अन्य लोगों के ऋणों का व्यवसाय है, या बैंकर अपने व अन्य लोगों के ऋणों का व्यवसाय होता है, बैंक कहलाता है, ये क्राउथर कहते हैं। और जबकि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कहती है कि बैंकिंग कंपनी वह कंपनी है जो किसका व्यवसाय करे? बैंकिंग का व्यवसाय करे। बैंकिंग कंपनी वह कंपनी है जो बैंकिंग का व्यवसाय करे, बैंक होता है। अब हम बात करेंगे निष्कर्ष रूप से, डेफिनेशंस, कि बैंक की परिभाषाओं में निष्कर्ष रूप से क्या है। तो बैंक की परिभाषाओं में निष्कर्ष रूप से हम बात करें तो बैंक वह संस्था है जो अपने ग्राहकों के लिए धन संबंधी सभी लेन देन करती है, बैंक कहलाती है। तो आप निष्कर्ष रूप से पढ़े कि बैंक वह है जो जनता के रूप से जमाए स्वीकार के पैसा लेती है और आवश्यकता पड़ने पर उनको उपलब्ध धनराशि उपलब्ध करवाती है। अब आगे हम इसी क्रम में पढ़ेंगे बैंक के कार्य। बैंक के कार्यों को मुख्यतया विभिन्न भागों में बांटा गया है जो इस प्रकार है। बैंक के मुख्यतया विभिन्न कार्य हैं जो कि इस प्रकार है, जो कि आपको एक टेबल के माध्यम से पढ़ाएंगे।
बहुत ही उपयोगी इम्पोर्टेंट है। इसी से संबंधित प्रश्न ही आपके एग्जाम में आता है कि बैंक के क्या कार्य हैं, फंक्शन ऑफ बैंक, आधुनिक बैंकों के कार्य। आधुनिक बैंकों के कार्य, इन कार्यों को हम बिल्कुल संक्षेप में पढ़ेंगे, बाकी आपको नोट्स के माध्यम से आपको उपलब्ध करवा देंगे। तो मॉडर्न या फंक्शन ऑफ मॉडर्न बैंक, आधुनिक बैंक के कार्य। आधुनिक बैंकों को कार्यों को मुख्यतया पांच भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? पांच भागों में, जो कि आपको एक पॉइंट्स के माध्यम से समझाएंगे। पहला है प्राइमरी फंक्शन, प्राथमिक कार्य। दूसरा है अभिकर्ता या प्रतिनिधित्व संबंधी कार्य। तीसरा है सामान्य उपयोगी कार्य। फोर्थ है विदेशी व्यापार की वित्तीय एवं प्रबंधकीय व्यवस्था। अंतिम है साख निर्माण का कार्य। साख निर्माण का कार्य, पहला जैसे मैंने आपको बताया, प्राथमिक कार्य में दो प्रकार के कार्य हैं। एक तो है जमाएं स्वीकार करना, दूसरा है ऋण एवं उधार देना। जमाएं स्वीकार करने का कार्य, पहला प्राथमिक कार्य का अपने अध्ययन करें संक्षिप्त रूप में। जमा स्वीकार करने के लिए विभिन्न खातों के माध्यम से हम जमा स्वीकार करते हैं, जिसमें पहला है स्थायी जमा खाता, जो कि 6 माह से लेकर के 10 वर्ष तक के लिए ये अकाउंट खोला जाता है। इसमें ब्याज दर बहुत अधिक होती है, आने वाले 5-10 साल में रकम अपनी, एक अच्छी रकम अपने को मिल जाती है। जो जमा अपन जब करते हैं तो निर्धारित ब्याज के अनुसार उसका भुगतान कर दिया जाता है। दूसरा है चालू खाता। चालू खाता बड़े बड़े व्यापारी उद्योग जो खोल धंधे हैं वो जो हैं वो खोलते हैं, उनको अधिविकर्ष की सुविधा दी जाती है करंट अकाउंट पे, जबकि इसमें मुख्यतया ब्याज रेट बहुत ही कम होती है, वो चालू खाता होता है। तीसरे खाते की बात करें बचत खाता, जो सामान्य उपयोगी खाते, जो बचत खाता है, जो अपना सेविंग अकाउंट जो वो है, जिसमें मुख्यतया सामान्य वर्ग के व्यक्ति ये खाता खोलते हैं, जिसमें चेकबुक की सुविधा दी जाती है और एटीएम की सुविधा दी जाती है। इसमें मुख्यतः 1 वर्ष में या 1 माह में अधिक लेन देन वो नहीं कर सकता, 50 की उसमें लिमिट है। और आगे है गृह बचत खाता, अनिश्चितकालीन जमा खाता, अन्य जमा, आवर्ती जमा खाता और प्रतिदिन बचत योजना, निवृत्ति योजना, ये खाते हैं जो कि मुख्यतः, तो इसमें मुख्यतया 3 प्रकार के खाते महत्वपूर्ण हैं, चालू खाता, बचत खाता और स्थायी जमा खाता। अब आती है उधार व ऋण देना। उधार व ऋण देना में एक तो नकद साख की सुविधा उपलब्ध की जाती है, नकद साख व्यक्ति की गुडविल के आधार पर उपलब्ध करवाती है बैंक। दूसरा है ऋण एवं अग्रिम, ऋण एवं अग्रिम की सुविधा भी उपलब्ध करवाती है, ये भी एक ऋण अग्रिम की सुविधा भी उसकी साख व गुडविल पे आधार पे उपलब्ध करवा जाती है। ओवरड्राफ्ट अधिविकर्ष की सुविधा भी दी जाती है, तो ये ऋण उधार देना में है। अधिविकर्ष के बाद में विनिमय बिलों की कटौती भी सम्मिलित है। तो ये तो अपने प्राथमिक कार्य हो गए। दूसरे अभिकर्ता एवं प्रतिनिधित्व संबंधी कार्य, चेक से संबंधित जो भी कार्य है एक एजेंट के माध्यम से किए जाते हैं वो अभिकर्ता संबंधी कार्य होते हैं, जैसे चेक विनिमय बिलों का भुगतान करना, उनका संग्रहण करना, ग्राहकों के लिए प्राप्त करना, ग्राहकों को भुगतान करना, धन का स्थानांतरण करना, अंशों प्रतिभूतियों क्रय विक्रय करना, अभिरोपण करना, अन्य प्रतिनिधित्व संबंधी कार्य करना।
तीसरे हम बात करेंगे सामान्य उपयोगी कार्य की। सामान्य उपयोगी कार्य में अधिविकर्ष या धन व संपत्तियों की सुरक्षा करना, यात्री चेक व साख पत्रों का व्यवस्था करना, आर्थिक स्थिति की सूचना, वित्तीय सलाहकार और सूचनाएं प्रकाशित करना, विनिमय बिलों को स्वीकार करना और ऋण पत्रों की व्यक्तिगत साख, ये इसमें सामान्य यूटिलिटी संबंधी कार्य हैं, जिसमें अंश बाजार, शेयर बाजार से संबंधित सम्मिलित है, विदेशी विनियोग से संबंधित है। आगे इसी क्रम में हम बात करेंगे विदेशी व्यापार की वित्तीय और प्रबंधकीय व्यवस्था कार्य करता है। एक देश से दूसरे देश में जब हम आयात निर्यात करते हैं तो हमें पूंजी की आवश्यकता होती है, तो उसका किस प्रकार से वित्तीय प्रबंध या किस प्रकार से मैनेजमेंट करना है, तो वो विदेशी व्यापार या वित्तीय प्रबंध व्यवस्था में आता है। ये किसी बैंक के माध्यम से किया जाता है, क्योंकि व्यापारिक बैंकों के माध्यम से विभिन्न प्रकार के व्यापारिक बिलों का इनमें क्रियान्वयन होता है। लास्ट है साख निर्माण का कार्य। साख निर्माण का कार्य होता है कि बैंक क्या करती है, कुल जमाओं में से कुछ प्रतिशत अपने पास रख लेती है, बाकी का लोन दे देती है। जैसे 100 रुपये है, 100 रुपये में 10% नकद के रूप में रहती है, 90% का लोन देती है, तो वो साख निर्माण का कार्य होता है। तो इस प्रकार से व्यापारिक बैंक केंद्रीय बैंक की नीति के अनुसार साख निर्माण का कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। इन बैंकों में जनता द्वारा उधार उपलब्ध करवाते हैं, जिसमें एक सूत्र के माध्यम से इसको ज्ञात करते हैं कि कुल निक्षेप कितना है, कुल डिपॉजिट्स जिसे बोलते हैं टोटल डिपॉजिट TD, कुल निक्षेप माइनस प्रारंभिक निक्षेप में घटाने के बाद में अपनी साख निर्माण। इस प्रकार ये आज हमने बैंक क्या है, उसकी क्या परिभाषाएं हैं, उसके कार्य बड़े संक्षेप में हमने अध्ययन किया। आगे हम इसी क्रम में अगले वीडियो में एक विकासशील अर्थव्यवस्था के बैंकों की क्या भूमिका है, क्या उसका महत्व, उसका अध्ययन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।